आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिरोजाबाद पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर वाहन चोर गैंग के कब्जे से बड़ी संख्या में चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। गैंग आसपास के राज्य में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। फिरोजाबाद की थाना सकवाबाद पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 3 शातिर सदस्य गिरफ्तार किए हैं। शातिर सदस्य जहां वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, वहीं वाहनों को लूटा भी करते थे। ये शातिर फिरोजाबाद ही नहीं, आगरा और आसपास के जिलों में भी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। कीमती गाड़ियां इस गैंग के टारगेट पर रहती थी। इस गैंग के कब्जे से 20 दुपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। क्या गैंग से पूरा क्या मामला? ये देखिए, ये अंतर जनपदीय गैंग है। आगरा, एटा, फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। 3 शातिर वाहन लुटेरे बरामद किए गए हैं। ये गाड़ियाँ छीनते भी हैं, चाबी से खोल देते हैं। 20 गाड़ियाँ इनसे बरामद हैं। उसमें मोटरसाइकिलें ऐसी भी हैं जो 5-5, 6-6 लाख की हैं। 4,000 किलोमीटर चली हैं, 5,000 तो 50,000 रुपये, लाख रुपये, 25,000 रुपये अपना बेच लेते हैं ये, जो जितना जितना मिल जाए। और आज ये 26 दिन हमारा हुआ है जनपद में, 60वीं गाड़ी है ये, 60 गाड़ी बरामद करी है और कम से कम 25 गाड़ियां मुकदमों से कनेक्ट हुई हैं। फिरोजाबाद के नवागत एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने ताबड़तोड़ वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यही वजह है कि लगातार वाहन चोर गैंग पकड़े जा रहे हैं और गाड़ियां भी बरामद की जा रही है। 20 गाड़ियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो मुकदमों से जुड़ जाए, वादी को मिल जाए। अब जैसे इसमें 10 वादी हमने बुलाए हैं जिनकी चोरी हुई है, क्या पता न लिखी हो, थाने वाले टरका देते हैं कभी कभी, दबाव पड़ता है तो लिखते हैं, और कभी कभी वादी भी नहीं जाता लिखाने, कहीं का वादी कहीं चला जाता है, तो ये व्यवहारिक कठिनाई होती है कभी कभी। लेकिन 25 गाड़ियाँ कम से कम हमने कनेक्ट किया है जो लूटी हुई थी या चोरी गई थी। ये हमारी टीम की काबिलियत है कि 20 गाड़ी वाली टीम है। इसको मैं 20,000 रुपये का इनाम देता हूँ। इन लड़कों ने बहुत अच्छा काम, इन्होंने क्या पहले भी कोई क्राइम किया? यस, इनके 3 अभियोग पहले से पंजीकृत हैं। इनके ऊपर 3 अभियोग पहले से पंजीकृत चल रहे हैं और इनका जो मास्टरमाइंड है अभी उसको ले आना है और भी गाड़ियां मिली। फिरोजाबाद के नवागत एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करवाने में जुटे हैं। यही वजह है कि लगातार वाहन चोर पकड़े जा रहे हैं, गाड़ियां भी बरामद की जा रही हैं। जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे वाहन चोरों में खलबली मची हुई है, लेकिन देखना होगा कि वाहन चोरी की वारदातों में कितनी कमी आती है, ये वक्त बताएगा। फिरोजाबाद से अपने साथी रामपाल और ब्रजपाल सिंह के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।